हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एंड वंस अगेन वेलकम टू अन एकेडमी। वेल बेटा, उत्तर प्रदेश से एक यूपी ट्रिपल एससी बेटा जो आयोग है उसने एक वैकेंसी निकाली हुई है, ठीक है ना। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि यार वैकेंसी जो है वो है हिंदी में, और हम लोग की जो पढ़ाई लिखाई हो रखी है वो अब इतना अंग्रेजी में हो रखी है कि भैया अगर कोई नोटिफिकेशन हिंदी में आता है तो भैया ना तो जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करता है उसको कुछ समझ में आता है, और ना बताने वाले को समझ में आता है क्या बता रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, इस समय का जो एक हम लोग की जो मातृभाषा है हिंदी है उसको लेकर बेटा इतना ज़्यादा हम लोग के अंदर भय है कि भैया पता नहीं चलता क्या बोल रहा है। लो, ये गलत बात है, पहली बात तो ये। तो आपको ध्यान रखना बेटा, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के किसी भी वैकेंसी में या कहीं से भी पोस्ट पर अगर ज्वाइनिंग चाहते हो तो हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, उसको आप प्राथमिकता से लीजिए, बिकॉज हर एग्जाम में हिंदी को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, वो अलग टॉपिक है, अभी हम लोग किससे बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया बेटा, एक वैकेंसी निकाली है आपका, जो कि क्या है बेटा आपके उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या उसमें एग्जाम का पैटर्न रहेगा, वो सब उसने यहाँ पर डाउनलोड आपका वेबसाइट पर डाल दिया है, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर, और वो रहा ये बेटा पीडीएफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा देखिए, जो यूपी में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी आपकी बेटा वैकेंसी निकलती हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया है, प्राइमरी बेटा क्या कहते हैं, प्राइमरी में एक पेट एग्जाम को उन्होंने क्या किया है बेटा, हर साल लेते हैं वो, प्रीलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं जिसको बेटा आपका, ठीक है ना। तो वो बेटा क्या है, जरूरी है आपको हर साल वो दीजिए, जितने भी आप चाहे टेक्निकल के हैं चाहे नॉन टेक्निकल के हैं, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितने भी बेटा क्या होंगे आपके वैकेंसी निकलेंगे उसमें पेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और बेटा वही चीज यहां पर भी मेंशन किया गया है, ये जो वैकेंसी है बेटा ये निकली है डिप्लोमा वालों के लिए, और भी क्राइटेरिया उसके अंदर है कौन कौन एलिजिबल है तो हम देखेंगे। लेकिन बेटा इसमें जो पहला जो प्राथमिकता है, जो प्राइमरी जो है, जो आपको जरूरत है सबसे ज्यादा, वो क्या है कि भैया आपको पेट क्वालिफाई होना चाहिए 2022 का, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में बहुत सारी वैकेंसी आपको इसके द्वारा दिखेंगी। तो पहले बेटा उन्होंने क्या कह दिया है कि भैया ये क्या है आपका, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वैकेंसी निकाली गई बेटा, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या किया बेटा, जो पेट एग्जाम है 2022 का, जो बच्चों ने क्या किया बेटा, ये जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है बेटा पेट एग्जाम 2022 का, उसको अगर उसने क्वालिफाई कर रखा है तभी आप लोग इसमें एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो, चाहे तुमने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया, क्या क्या कुछ ना, मतलब अगर आप लोग बेटा पेट एग्जाम 2022 क्वालिफाई कर चुके हो देने के बाद तो बेटा आप लोग एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली आपकी बेटा क्या है इसके अंदर कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। बाकी बेटा क्या है, यहाँ पर अराउंड 283 पोस्ट हैं, और वो किसमें पोस्ट हैं बेटा वो आपको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो आपको बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका डिफरेंट कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, सब प्राइम सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज क्या है बेटा कि आपके पास पेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पर आपके फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 25-25 रुपया देना है बेटा फॉर्म फिलअप का, वो बड़ा तोप नहीं है। तोप क्या है बेटा ये, ठीक है, सिंचाई जो और जल संसाधन विभाग, जो आपका जल संसाधन विभाग है बेटा उसमें कितनी है, अराउंड 86 पोस्ट है, टोटल 170 पोस्ट है कृषि विभाग में बेटा। तो इसमें बेटा जो आपकी वैकेंसी है वो बेसिकली कौन डिप्लोमा वाले एलिजिबल बेटा, तो वो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो बच्चा क्या किया है बेटा, जिनके पास कौन कौन सा क्या क्या कंडीशन पे वो लोग एलिजिबल हैं, तो बेटा वो एलिजिबल है कि उन्होंने क्या किया बेटा आपका, ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपको बेटा यहाँ पर जो दिए हुए हैं आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटी दी हुई हैं वहां से क्या किया बेटा, उन्होंने नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र लिया हो, या फिर बेटा क्या किया हो, डिप्लोमा किया हो सिविल में, ठीक है बेटा। तो ये सिविल में जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए ये मेन वैकेंसी है, 283 के अराउंड वैकेंसी बच्चा। तो आगे भी अलग अलग ब्रांचेस के लिए निकलेंगे वैकेंसी, तो देखिए जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, लेकिन उन डिप्लोमा बच्चों के पास पेट एग्जाम जो 2022 का है वो क्वालिफाई होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसने स्टार्टिंग में लिख दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है ना। तो ये तो पहले चीज क्या कि आपके पास पेट क्वालिफाई होना चाहिए 2022 का, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद वो क्या करेंगे बेटा, पहला स्क्रीन करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा इसमें बच्चों को छांटेंगे जिनके पास हाई कट ऑफ का पेट वैल्यू होगा, उनका स्कोर कार्ड अच्छा जिसका होगा उसको पहले वो छांट के ले आएंगे, 15 गुना लेके आएंगे अपने पास, और फिर उन बच्चों का वो टेस्ट लेंगे, ठीक है भैया। तो वो एक एग्जाम लेंगे, तो बेटा एग्जाम जो बच्चा वही दे सकता है जिसके पास पेट क्वालिफाई हो और बेटा ये डिप्लोमा हो, और उसके बाद उसमें क्या करना बच्चा, इसमें
आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम है वो बेटा उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम लोग जो एग्जाम लेंगे वो यहाँ पर आपको दे रखा है। आजा भाई कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका नीचे आप देख लीजिए, आपका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर दे रखा है कि भैया हम एग्जाम लेंगे और एग्जाम को फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो बेटा देखो ये पूरा पीडीएफ है बड़ा सा और इसके अंदर आपको सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आप लोग बेटा करते हैं इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिए और फिर से मैं बेटा वही आपसे कहूंगा कि इसमें वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास क्या है बेटा पैट क्वालिफाई है 2022 का, ठीक है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं तो वो पेट एग्जाम हर साल जरूर दीजिए, उसका स्कोर कार्ड अपने पास जरूर रखिए ताकि बेटा जब ऐसी वैकेंसीज आए तो बेटा इसमें आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म कर ले। एक ज्वाइनिंग लेटर ले लो बेटा, तो ये क्या है सब बेटा चीज दी हुई है यहाँ पर। और बाकी बेटा यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो भी उन्होंने दे रखा है कि हम लोग एग्जाम लेंगे और एग्जाम में जो अच्छे बच्चे यहाँ पर उनका जो क्राइटेरिया उसको कंफर्म करके क्वालिफाई करते हैं तो बेटा वो लोग क्या करेंगे उनका बाद में ज्वाइन दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको सारा जो डिटेल है बेटा वो यूपी ट्रिपल एससी के आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी और ये सारा बेटा क्या है उसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर मेन वैकेंसी थी यूपी ट्रिपल एससी पेट द्वारा बेटा, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिप्लोमा सिविल और साथ में पेट 2022 क्वालिफाई होना चाहिए, अगर वो है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, नहीं है तो नहीं एलिजिबल है। बाकी बेटा और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग ऐसे ही आपको अपडेट दे रहेंगे। ध्यान रखिएगा पेट एग्जाम जिन बच्चों ने दिया हुआ है अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं दिए हैं उनकी वैकेंसीज आती रहती है बेटा, हर साल पेट एग्जाम होता है, दीजिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग आगे मिलते हैं और बहुत सारी बातें हम लोग डिटेलिंग करेंगे। अभी के लिए इस फॉर्म के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, और हिंदी पढ़ा करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।